दोस्तों, यह हेमिकार्डेटा का लेक्चर नंबर 8 यानी कि 8वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ वेल्नोग्लासस या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वेल्नोग्लासस, यानी कि वेल्नोग्लासस के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है और कैसे इनकी बॉडी के अंदर रक्त परिसंचरण होता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन इनकी बॉडी में कैसे होता है। तो वेल्नोग्लासस के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो आप कॉम्प्लेक्स तरह का एकदम फिगर देख रहे हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे और तमाम जो नेमिंग दिख रही है यानी जो इनका नामांकन है इस फिगर के अंदर, उसको हम पूरा अच्छे से आपको समझा देंगे। इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इन पार्ट का काम क्या है, यानी जो वेसल्स का नामांकन और अन्य पार्ट का नामांकन है, उसके शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि इनका काम क्या है। तो देखने में जटिल तरह का तो लग रहा है, लेकिन समझने के बाद यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और इस जटिल फिगर के बारे में आप एग्जाम में कैसे आसान तरीके से और कम शब्दों में लिखेंगे, ये सारा डिटेल भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वेल्नोग्लासस का, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत विस्तृत समझ रखा है, काफी जानकारियां जुटा ली हैं। लेकिन इनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड कहां से बहना स्टार्ट होता है और कैसे कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने अभी विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया है। इसके बारे में अभी कई डाउट होते हैं। बाकी जो इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, यह काफी प्रिमिटिव टाइप का है, यानी कि पुराने तरह का है, डेवलप टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें वास्तविक यानी कि असली जो हार्ट होता है हायर कार्डेट के अंदर, उस तरह का हार्ट भी इनके अंदर नहीं पाया जाता है। बाकी इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यह ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है हेमिकार्डेटा के अंदर, यह बात मैंने पहले भी आपको बता दिया था। ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का मतलब वेल्नोग्लासस की बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है वह पतली पतली धमनी और सिराओं से होकर के नहीं बहता है, बाकी इनकी टिश्यू के अंदर छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं और वह एक स्पेस दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ा रहता है। तो इन स्पेस के अंदर से होकर के ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ इसको ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। और अगर धमनी सिराओं से होकर ब्लड बहता है तो उसे क्लोज टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहेंगे। हालांकि वेल्नोग्लासस के अंदर धमनी और सिरा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य धमनी और सिरा ही पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में धमनी और सिराओं का जाल नहीं होता है जैसे मानव के अंदर होता है। तो कुछ कॉमन बातें आप इसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से समझ गए हैं। अब चलिए इसके बारे में हम पूरा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, जो ये फिगर आप देख रहे हैं, यह वेल्नोग्लासस के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का बनाया गया है और आप देख पा रहे हैं कि इसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्लियर तीन पार्ट दिखाई दे रहा है। आगे का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, यह प्रोबोसिस है, और बीच का जो ये मध्य भाग देख रहे हैं कालर है, और इसके बॉडी के जो पीछे का भाग होता है इसको ट्रंक कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर वाला आप वीडियो देखे हैं तो ये सारी चीजें आप जरूर समझ गए होंगे। देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि आगे प्रोबोसिस है, बीच में कालर है और पीछे इसके ट्रंक वाला भाग है। इस चीज से आप क्लियर हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, यानी किस किस चीज से मिलकर के इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बना है। तो दोस्तों, वेल्नोग्लासस का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र चार चीजों से मिलकर बना है, यानी चार पार्ट से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग ब्लड देखेंगे, यानी कि इसके ब्लड के बारे में समझते हैं। फिर इसके बाद इसका हार्ट यानी जो सेंट्रल साइनस है, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि वास्तविक तरह का हार्ट या असली हार्ट इसकी बॉडी में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हम इसमें आर्टरी देखेंगे, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, यानी कि वे वेसल्स, वे वाहिकाएं जो ब्लड को बॉडी में फैलाती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे वेन यानी सिरा, या फिर इसको कलेक्टिंग वेसल्स भी बोलते हैं, यानी जो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लाती हैं। हार्ट का मतलब वही सेंट्रल साइनस तक लाते हैं। तो चारों हम लोग बारी बारी से देखेंगे तो पूरी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसके ब्लड के बारे में। तो दोस्तों, जो वेल्नोग्लासस का ब्लड होता है वह कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। रेस्पायरेटरी पिगमेंट या फिर ब्लड पिगमेंट का मतलब जिसकी वजह से ब्लड कलरफुल होता है,
ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए बेलनोग्लासस का ब्लड कलरलेस होता है। जैसे हम लोगों की बॉडी में जो ब्लड है वह कलरफुल है यानी कि रेड है, क्योंकि हम लोगों के ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ब्लड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हम लोगों का ब्लड रेड है। जबकि बेलनोग्लासस के अंदर इस तरह का जैसे हीमोग्लोबिन की तरह से अन्य कोई पिगमेंट पाए जाने का डाउट है, एक तरह से समझिए कि नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ब्लड कलरलेस है। तो क्लियर हो गया इसके ब्लड के बारे में। और इसमें रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, बस केवल इसमें कुछ WBC पाई जाती हैं जो इनकी वाल से चिपके रहते हैं, वो ब्लड के साथ फ्लो नहीं होते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए ब्लड के बारे में। अब चलिए समझ लेते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। तो मैंने पहले ही बता दिया है बेलनोग्लासस के अंदर वास्तविक तरह का हार्ट नहीं पाया जाता है, सेंट्रल साइनस पाया जाता है। सेंट्रल का मतलब इनके केंद्र में जहां पर हार्ट होना चाहिए, और साइनस का मतलब एक स्पेस पाया जाता है जिसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है और फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिगर में हम देख लेते हैं, तो इसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर आगे जो ये रेड कलर की स्ट्रक्चर बीच में देख पा रहे हैं, यही इसका सेंट्रल साइनस है, यही इसका सेंट्रल साइनस है, या फिर इसे हार्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर पल्सेशन तो नहीं होता है, स्वयं का पल्सेशन नहीं होता है, बाकी ब्लड को कलेक्ट करता है, तो इसलिए इसको हार्ट मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक तरह का यह हार्ट नहीं होता है। तो इसमें सेंट्रल साइनस कहाँ है ये आप समझ गए हैं। जो जो नेमिंग इसमें हम बताते जाएंगे उसको इस तरह से हम घेर दे रहे हैं जिसे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में क्या बताया गया है, ताकि कोई नेमिंग छूट ना जाए। अब आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर देखिए जो एक और स्ट्रक्चर है हार्ट वेसिकल्स, यहाँ पर देखिए ये रेड कलर की स्ट्रक्चर के बाद ये ग्रीन कलर से डॉटेड की गई स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे हार्ट वेसिकल्स। हार्ट वेसिकल्स का काम क्या है, तो इसकी जो वेंट्रल वाल होती है, नीचे की जो ये वाल होती है यानी कि जो नीचे का भाग होता है, यह काफी मस्कुलर होता है और कंट्रेक्टाइल होता है, यानी कि इसके अंदर सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से इस सेंट्रल साइनस के अंदर भी पल्सेशन होने लगता है, बीटिंग होने लगती है, यानी समझिए कि धड़कन होने लगती है। तो सेंट्रल साइनस किसकी वजह से धड़कता है, तो हार्ट वेस्किल की वजह से धड़कता है, यानी कि हार्ट वेस्किल के अंदर ही कंट्रेक्टाइल की क्षमता होती है, और इसी के अंदर रिलैक्सेशन और कंस्ट्रिक्शन होने की वजह ऐसे ही सेंट्रल साइनस में भी पल्सेशन होने लगता है, बीटिंग होने लगती है। तो इसके बारे में आप समझ गए, यानी कि इसका जो हार्ट या सेंट्रल साइनस है, इसके दो पार्ट होते हैं, बीच का जो आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं सेंट्रल साइनस है, और ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं वो हार्ट वेस्किल है। ये भी क्लियर हो गया, तो दो चीजें आप क्लियर हो गए ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं आर्टरीज यानी कि वे वाहिकाएं या वे वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी में फैलाते हैं, यानी कि हार्ट से दूर जाने वाले जो वेसल्स होते हैं उसको आर्टरी कहते हैं, और हार्ट के पास लाने वाले यानी वे वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के पास लाती हैं उन्हें वेन कहते हैं, और जो हार्ट से दूर जाती हैं उन्हें आर्टरी बोलते हैं। बाकी आपको नॉर्मली पता है कि वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है और धमनी यानी कि आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है। तो ये आप क्लियर हो गए। अब चलिए देखते हैं आर्टरी इसकी बॉडी में कहां है। तो देखिए ये जो सेंट्रल साइनस देख रहे हैं यह इसके हार्ट की तरह से है, और यह हार्ट पल्सेशन के दौरान ब्लड को इस स्ट्रक्चर में भेज देता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो आगे प्रोबोसिस के अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह ग्लोमेरुलस है, तो इसको भी आप समझ गए ग्लोमेरुलस। बेलनोग्लासस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है यानी कि उत्सर्जी अंग है, इसके बारे में आगे आपको विस्तार से समझना है। उत्सर्जी अंग का काम क्या है, जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर किडनी है वैसे इसकी बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलस है। ब्लड के अंदर पाए जाने वाले खराब पदार्थ को फिल्टर कर लेता है अपने अंदर और प्योर ब्लड को आगे की तरफ भेज देता है। तो ग्लोमेरुलस भी आप समझ गए। अब देखिए ये जो सेंट्रल साइनस है यह ब्लड को कहाँ भेज देगा, ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस से चार आर्टरी निकलती हैं। कितनी, चार, आप याद रखिएगा। पहला देखिए जो ऊपर की तरफ ये आर्टरी निकली हुई है यह प्रोबोसिस के ऊपर वाले हिस्से में यानी डॉर्सल पार्ट में ब्लड को फैलाएंगी, और ये पता है कि ये ब्लड कैसा जा रहा है, तो प्योर ब्लड जा रहा है क्योंकि आर्टरी है, इसके अंदर प्योर ब्लड जा रहा है। तो ये प्रोबोसिस के ऊपर वाले भाग में ब्लड को फैलाएगी, इसको कहेंगे डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी। आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे आप, डॉर्सल का मतलब क्या है, ऊपर वाली साइड में, जैसे मेरे हाथ का ये वाला पोर्शन है
डॉर्सल है, नीचे वाला पोर्शन क्या है वेंट्रल है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन में ब्लड फैला रही है तो इसको क्या बोलेंगे डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी। तो ये क्लियर हो गया। और जो दूसरी यहां पर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं इसका नाम है वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, यह वेंट्रल पार्ट में ब्लड को फैलाएगी। तो ये भी क्लियर हो गया प्रोबोसिस के वेंट्रल पार्ट में, और ये आप प्रोबोसिस देख ही रहे हैं ये भी क्लियर हो गया है। और अब देखिए यहां से ग्लोमेरुलस से पीछे की तरफ दो धमनियां यानी दो आर्टरीज निकलती हैं। एक देखिए यहां ये बीच में जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यह है बकल डाइवर्टिकुलम। जब हम बेलनोग्लासस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो बकल डाइवर्टिकुलम में वहां अच्छे से हमने समझाया हुआ है, इतना आप जरूर जानते रहिए। यह डाइजेस्टिव पार्ट का एक हिस्सा है जो डाइजेस्टिव पार्ट से आगे की तरफ निकल करके प्रोबोसिस में चला जाता है तो इसको बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। पहले के वैज्ञानिक इसको नोटोकार्ड मानकर बेलनोग्लासस को कार्डेटा में रखते थे, लेकिन बाद में पता चला कि यह नोटोकार्ड नहीं है बल्कि डाइजेस्टिव पार्ट का एक हिस्सा है बकल डाइवर्टिकुलम। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में हमने इसको अच्छे से बता रखा है। तो ये भी क्लियर हो गया बकल डाइवर्टिकुलम। अब आप देख रहे थे कि जो दो धमनियां आगे की तरफ निकली हुई हैं, दो आर्टरी, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों प्रोबोसिस में ब्लड को फ्लो करा रही हैं, और इसी ग्लोमेरुलस से दो पीछे की तरफ आई हुई हैं। तो एक देख रहे हैं यहां से बकल डाइवर्टिकुलम के ऊपर से आई है और एक बकल डाइवर्टिकुलम के नीचे से आई हुई है। इन दोनों को क्या कहेंगे इफेरेंट ब्लड वेसल्स, इफेरेंट ब्लड वेसल्स। इफेरेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि यह सेंट्रल साइनस को या फिर जो है ग्लोमेरुलस को पार कर चुकी हैं, तो जो इसको पार कर चुकी हैं ग्लोमेरुलस को उसको बोलेंगे इफेरेंट, और जो इसके पहले रहेंगी इसको बोलेंगे अफेरेंट। इफेरेंट और अफेरेंट को समझिए, जो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड को लाएंगी उसे अफेरेंट बोलेंगे यानी कि इसको पास लाने वाली, और जो पीछे की तरफ ले जाएंगी उन्हें बोलेंगे इफेरेंट। तो अफेरेंट इफेरेंट भी समझते रहिएगा। और फिर ये दोनों आकर के बाद में एक में मिल जाती हैं तो इन्हें कहेंगे पेरीब्रैंकियल आर्टरी, पेरीब्रैंकियल आर्टरी यानी ब्रैंकियल के आसपास वाले रीजन में ब्लड को फैलाएंगी तो इनको बोलेंगे पेरीब्रैंकियल आर्टरी। और आगे जब यह बढ़ेंगी तो यहां पर आप देख रहे हैं एक मोटी सी वेसल्स दिख रही है, ब्लड वेसल्स दिख रही है, इसको कहेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल्स, इसमें आकर के मिल जाएगी। और यहां से देखिए एक ब्रांच इसकी और नीचे की तरफ निकली हुई है जिसको बोलेंगे वेंट्रल कॉलर वेसल्स, वेंट्रल कॉलर वेसल्स यानी कॉलर के वेंट्रल साइड में यह ब्लड को फैलाएगी, ब्लड को भेजेगी। और इसी के अपोजिट देखिए एक यहां भी निकली हुई है तो इसको बोलेंगे रिंग वेसल्स ऑफ सेप्टम, रिंग वेसल्स ऑफ सेप्टम। यहां पर एक सेप्टम पाया जाता है जो ट्रंक और कॉलर को अलग करता है, तो उसके आसपास ब्लड फैलाने वाली वेसल्स को क्या बोलेंगे रिंग वेसल्स ऑफ सेप्टम। यह भी समझ गए। बाकी यह पीछे की तरफ जैसे आएगी तो यहां पर देखिए यह एक तरह का नेटवर्क है और इसी के जैसा यहां पर भी नेटवर्क है, ये दो नेटवर्क हैं। इन दोनों नेटवर्क को क्या कहते हैं कि लैक्यूनर नेटवर्क टू बॉडी वॉल, यानी बॉडी वॉल के अंदर ब्लड को फैलाने के लिए कुछ लैक्यून पाए जाते हैं यानी कि छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं, यहां पर छोटे छोटे स्पेस का जाल पाया जाता है। जैसे देखिए किसी बॉडी के अंदर इस तरह का छोटा छोटा स्पेस पाया जाता हो और यह स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो इन स्पेस को क्या बोलते हैं लैक्यून बोलते हैं। तो इसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है लैक्यूनर नेटवर्क टू बॉडी वॉल, यानी बॉडी की वॉल के अंदर ब्लड को फैलाने के लिए, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ लैक्यून पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं, ये उन्हीं का जाल है। तो ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर, दोनों नेटवर्क है, एक तरह से जाल है जो बॉडी वॉल के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो मेन ब्लड वेसल्स है नीचे की वेंट्रल ब्लड वेसल्स, इससे जो है शाखाएं निकल करके इस नेटवर्क के अंदर चली जाती हैं यानी बॉडी वॉल के अंदर ब्लड फैलाने के लिए चली जाती हैं। और यहां पर भी बॉडी के
वाल के अंदर ब्लड फैलाने के लिए हैं, तो ये भी आप समझ गए। और इसके बाद फिर देखिए इसी में से शाखाएं निकली हुई हैं, यहां पर देखिए कुछ नेटवर्क हैं, तो देखिए क्या है, लॉक्यूनर नेटवर्क टू डाइजेस्टिव ट्यूब, लॉक्यूनर नेटवर्क टू डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये जो दोनों नेटवर्क थे ये बॉडी वाल के अंदर ब्लड फैला रहे थे, और ये जो बीच में नेटवर्क दिख रहे हैं यह डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर ब्लड फैलाएंगे। डाइजेस्टिव ट्यूब का मतलब एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंदर ब्लड फैलाएंगे। देखिए ध्यान से आप समझिए, जगह जगह ब्लड फैलाना है, जब हार्ट से ब्लड पार हो गया यानी सेंट्रल साइनस से ब्लड पार हो गया तो अब बॉडी में जगह जगह ब्लड फैलाना है, तो एक लाइन से मैं बताते आ रहा हूं कि कहां कहां ये ब्लड लेकर के जा रही है। तो यहां तक आप पहुंच गए हैं, ये जो नेटवर्क दिख रहा है ये डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर ब्लड को फैलाएंगे यानी ब्लड को भेजेंगे। और आगे जाकर देखिए एक और यहाँ पर वेसल्स मिली हुई है जिसको आप बोलेंगे लैटरल फेरिंजियल वेसल्स। लैटरल फेरिंजियल वेसल्स का मतलब बगल में यानी दोनों तरफ फेरिंग्स होती है, दोनों तरफ रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ फेरिंग्स पाई जाती है। मैंने इसके डाइजेशन वाले वीडियो में बताया था कि फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स और रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। तो ये जो रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ फेरिंग्स देख रहे हैं दोनों लेटरल साइड में होते हैं क्योंकि दोनों तरफ गिल पाई जाती है, तो फेरिंजियल रीजन में ये ब्लड को फ्लो कराने का काम करेंगे। कौन? लेटरल फेरिंजियल वेसल्स। यहां पर जाने के बाद आगे देख पा रहे हैं कि यहां पर ये गिल बनी हुई है, तो ये गिल के अंदर ब्लड को फैलाएंगे और गिल के अंदर ही जाकर के ब्लड प्योर हो जाएगा क्योंकि इधर से माउथ के पास से पानी आता है और पानी में ऑक्सीजन रहती है और इन गिल्स के अंदर से होकर के पानी फ्लो होता है, बहता है और गिल पोर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब पानी आता है इसकी बॉडी के अंदर गिल के अंदर, तो गिल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपने अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड पानी में भेज देती हैं और पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेते हैं। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्लड अब प्योर हो गया, बल्कि यहां डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्लड इम्प्योर हो जाता है क्योंकि भोजन का पाचन होता है जिसके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से यहां पर ब्लड इम्प्योर हो गया था इस वाले रीजन में। यहां पर आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जाकर के ब्लड इम्प्योर हो जाता है भोजन के पाचन की वजह से, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो फिर जाकर के प्योर हो जाता है। अब यहां से फिर प्योर ब्लड जाएगा हार्ट में और फिर प्योर ब्लड पूरी बॉडी में फैलाया जाएगा और फिर जाकर के यहां डाइजेस्टिव कैनाल के पास ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और फिर जाकर के यहां पर गिल के पास प्योर हो जाएगा, फिर प्योर ब्लड यहां से भेज दिया जाएगा हार्ट यानी सेंट्रल साइनस के पास और फिर वहां से पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। तो क्लियर हो गए हैं आप, यहां पर देख रहे हैं जो गिल है इसके अंदर ब्लड जाएगा और फिर ऊपर की तरफ ब्लड चला जाएगा। देख रहे हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स, इसके अंदर ब्लड चला जाएगा लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स। इसके बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में दो लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर फिर यहां से ब्लड परिसंचरित कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है कमिश्रल वेसल्स। कमिश्रल वेसल्स का मतलब कमिश्रल मींस होता है एक वेसल्स से दूसरे वेसल्स को जोड़ने वाली जो वेसल्स होती है उसको कमिश्रल ब्लड वेसल्स बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं जो ये मेन ऊपर की वेसल्स है जिसको डार्सल ब्लड वेसल्स बोलेंगे उससे, और ये जो देख पा रहे हैं इसका नाम है लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स, यानी कि डार्सल ब्लड वेसल्स और लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स, इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये वेसल्स है इसको बोलेंगे कमिश्रल वेसल्स, कमिश्रल वेसल्स। तो इन चीजों से क्लियर हो गए, यानी कि हार्ट से होने के बाद जब ब्लड ग्लोमेरुलस में चला जाता है उसके बाद प्योर ब्लड चार धमनियों के द्वारा बाहर निकलता है, चारों को आप अलग अलग देख लिए, और पीछे जो आकर दोनों एक में जुड़ जाती हैं वो कैसे कैसे कहां कहां ब्लड लेकर के जाती हैं ये चीजें आप समझ गए। तो ब्लड को फैलाने वाली जितनी वेसल्स थी उसको मैंने बता दिया है, यानी कि जितनी धमनियां थी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स थी उसको हमने समझा दिया। अब चलिए देखते हैं वेन यानी कि ब्लड कलेक्टिंग वेसल्स या कलेक्टिंग वेसल्स कह सकते हैं, मतलब यह ब्लड को कलेक्ट करती हैं। तो इसके लिए
देखिए जो मेन वेसल्स है कलेक्ट करने के लिए वह यही वेसल्स है जिसको बोलेंगे डार्सल ब्लड वेसल्स, और इसी वेसल्स से ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि वाल से भी ब्लड को ले लिया जाएगा, इसके बाद फिर जो है डाइजेस्टिव कैनाल से भी ब्लड को ले लिया जाएगा, और यहां पर देख रहे हैं फेरिंजियल रीजन से भी ब्लड को ले लिया जाएगा, पूरा ब्लड को लेकर के और फिर जो है यह अपने अंदर कलेक्ट करके और ले करके जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर दिखाया गया है जिसको बोलेंगे वीनस साइनस। तो सेंट्रल साइनस के लिए एक सहायक पार्ट होता है जिसको वीनस साइनस बोलते हैं। वीनस का मतलब होता है जो चीज़ सेंटर में ना पाकर के थोड़ा और उसके पहले या इधर उधर पाई जाए उसको वीनस कहते हैं। तो वीनस साइनस का मतलब सेंट्रल साइनस के अलावा भी एक पार्ट होता है जो ब्लड को कलेक्ट करने में हेल्प कराता है, तो इसको क्या बोलेंगे वीनस साइनस। तो इधर से अन्य बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ले जाया जाता है और कहां भेज दिया जाता है वीनस साइनस में, और वीनस साइनस से ब्लड को भेज दिया जाता है सेंट्रल साइनस में, और सेंट्रल साइनस में फिर से जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे पूरा ब्लड सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो क्लियर हो गए हैं आप सोच रहे होंगे कि पीछे से प्योर ब्लड को तो कलेक्ट कर लिया गया लेकिन आगे से ब्लड को कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो जो इस वाले एरिया में इम्प्योर ब्लड हो जाएंगे उनको कलेक्ट करने के लिए देखिए यहां पर एक वेन बनाई गई है, एक वेन है जिसको क्या बोलेंगे लैटरल प्रोबोसिस वेन। इस वेन से प्रोबोसिस के अंदर का ब्लड कलेक्ट कर लिया जाएगा और कहां भेजा जाएगा वीनस साइनस में भेजा जाएगा, और वीनस साइनस से कहां भेजा जाएगा सेंट्रल साइनस में, सेंट्रल साइनस से कहां भेजा जाएगा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस के अंदर इम्प्योरिटी को फिल्टर कर लिया जाएगा, छान लिया जाएगा, और फिर जैसे जैसे मैंने बताया वैसे पूरी बॉडी में ब्लड को फैला दिया जाएगा। तो क्लियर हो गए हैं आप। कुछ स्ट्रक्चर और बची हुई हैं बताने के लिए, जैसे देखिए यहां पर बचा है हिपेटिक सर्कुलेशन। हिपेटिक सर्कुलेशन का मतलब जो हिपेटिक रीजन होता है इसके अंदर इस तरह का थैले जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको हिपेटिक सीका या फिर हिपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और फिर नीचे आप देख रहे हैं वेंट्रल नर्व कार्ड, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये वेंट्रल नर्व कार्ड है, और इसी का अपोजिट ऊपर की तरह आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ इसको क्या कहेंगे डार्सल ट्रंक नर्व, डार्सल ट्रंक नर्व बोलेंगे। तो लगभग सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर जो आती है उन्हें आप समझ गए। बाकी मैंने निशान लगाया हुआ है यहां पर, देखिए ये निशान लगा हुआ है कि किस तरफ से किस तरफ की तरफ ब्लड फ्लो होता है। तो देखिए यहां पर ऐसे निशान लगा हुआ है, यहां से ब्लड ऐसे जाता है और फिर इस सेंट्रल साइनस में चला जाता है, इधर से भी ब्लड को कलेक्ट करके सेंट्रल साइनस में भेज दिया जाता है, वीनस साइनस से होते हुए सेंट्रल साइनस में भेज दिया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस से चार धमनियां निकली हुई है, चार आर्टरी निकली है, यहां पर देखिए एक ऊपर से जाकर निशान लगा हुआ है, यहां पर ब्लड को फ्लो करा देती है और नीचे की तरफ जाकर यहां ब्लड फ्लो करा देती है। दो और धमनियां यानी दो और आर्टरी पीछे की तरफ निकली हुई हैं, तो देखिए निशान लगा हुआ है, यहां से फिर एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ ब्लड फैलाएगी और यहां ऊपर की तरफ फिर पीछे आएंगी, तो यहां पर देखिए ऊपर ब्लड जा रहा है, यहां भी और फिर पीछे की तरफ भी ब्लड आ रहा है, फिर यहां से देखिए बॉडी के पीछे वाले पार्ट से यहां ब्लड लेकर ऊपर जाया जाएगा, यहां से भी ब्लड ला करके ऊपर भेजेंगे और इस डार्सल ब्लड वेसल से होते हुए फिर वीनस साइनस में, और वीनस साइनस से सेंट्रल साइनस में ऐसे ऐसे हो करके इनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है। तो देखने पर तो काफी जटिल है लेकिन एक दो बार आप फिगर बना करके उसकी नेमिंग करेंगे तो 100% आपको तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से आप एग्जाम में इसे बना सकेंगे। तो दोस्तों इसकी जो संरचना है ये देखने पे तो काफी जटिल लग रही है और लिखने में तो 4-5 पेज भर जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको तो एक पेज में फिगर बनाना है और दो ही पेज में लिखना होता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कॉपी एग्जाम में नहीं मिलती है, एक ही कॉपी के अंदर सारी चीजें दिखाना होता है। और कॉपी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको लिखने के लिए समय भी तो चाहिए, उतनी चीजें याद भी तो होना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप जरूर समझ लीजिए और स्क्रीन शॉट लेकर के अपनी नोटबुक में जैसे आप सारी चीजें नोट करते जा रहे हैं वैसे नोट करते जाइए, मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आप एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वेल्नोग्लासस और उसमें लिख देंगे द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वेल्नोग्लासस इज ओपन टाइप। आप कई बार समझ चुके हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल्नोग्लासस का ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है।
इसके आगे लिख देंगे इट कंसिस्ट ऑफ मेनली फोर पार्ट्स, यह मुख्य रूप से चार पार्ट का बना होता है, जिसमें सबसे पहले क्या है ब्लड है, मैंने ब्लड के बारे में बताया है, दूसरा हार्ट है जिसको सेंट्रल साइनस कहते हैं क्योंकि वास्तविक तरह का हार्ट इनकी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है, और इसके बाद फिर आता है आर्टरी जिसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बोलते हैं, और आखिरी पार्ट यानी चौथा पार्ट इसको वेन कहते हैं जिसे कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। अब आपको हेडिंग डाल करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना रहेगा, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे ब्लड और इसके बारे में लिख देंगे ब्लड इज कलरलेस, मतलब कि जो वेलनोग्लासस का ब्लड होता है वह कलरलेस होता है बिकॉज ब्लड पिगमेंट आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर ब्लड पिगमेंट यानी ब्लड को कलर करने वाला मटेरियल या फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। सामान्यतः लिखा है बुक में प्रोबेबली अब्सेंट, मतलब कि संभवतः अब्सेंट है, आगे इस पे खोज होगी, अगर मिलता है इसका कोई ब्लड पिगमेंट तो आगे फिर इसका वर्णन किया जाएगा, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई पिगमेंट ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए लिखा जाता है प्रोबेबली अब्सेंट, मतलब संभवतः अब्सेंट होता है। और फिर इसके बाद लिख देंगे इट हैज फ्यू WBC, इनके पास कुछ WBC पाए जाते हैं और उन WBC में ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। अब बात आती है हार्ट की, इनके अंदर हार्ट तो वास्तविक तरह का हार्ट नहीं होता है, सेंट्रल साइनस होता है। सेंट्रल साइनस में आप क्या लिखेंगे, ए सेंट्रल साइनस इज स्मॉल, मतलब छोटी सी, इलांगेटेड का मतलब लंबी सी, थोड़ा सा आप देख रहे हैं यह इलांगेटेड स्ट्रक्चर है, elongated and located in the proboscis, और यह proboscis में located है, proboscis में स्थित है just above the buccal diverticulum, यानी कि buccal diverticulum के just ऊपर स्थित है, ये वाली structure आप जो देख पा रहे हैं यह buccal diverticulum है और इसी के just ऊपर central sinus स्थित है। आगे लिख देंगे just above the central sinus, यानी जो central sinus है ये वाली structure इसके just ऊपर क्या जा रहा है उसी की बात की जाएगी, तो जस्ट एबव द सेंट्रल साइनस हार्ट वेसिकल प्रेजेंट, यानी कि हार्ट वेसिकल प्रेजेंट है सेंट्रल साइनस के जस्ट ऊपर। आगे है इट्स वेंट्रल वॉल कंट्रैक्ट रिदमिकली, यानी कि जो हार्ट वेसिकल है इसकी बात की जा रही है, तो इसकी जो वेंट्रल वॉल होती है यानी कि जो नीचे की वॉल होती है वह कंट्रैक्ट होती है यानी कि सिकुड़ती है, और जब सिकुड़ती है तो फैलती भी है रिदमिकली, रिदमिकली का मतलब कि क्रम से, ऐसा नहीं है कि बिना क्रम का यह कंट्रैक्ट होती है, बिना क्रम का पल्सेशन करती है, इसका एक क्रम होता है, जैसे हम लोगों के हार्ट का एक क्रम होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कने की, वैसे इसका भी क्रम होता है, मतलब एक क्रम से ऐसे 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 करके धड़कता है, ऐसा नहीं कि कभी एकदम पूरा झकझोर दे और फिर धीरे धीरे करने लगे, मतलब बिना क्रम का नहीं, एक निश्चित क्रम के हिसाब से यह धड़कता है यानी कि कंट्रैक्ट होता है। एंड प्रोड्यूस पल्सेशन इन द सेंट्रल साइनस, और यह अपने खुद को कंट्रैक्ट होने के बाद सेंट्रल साइनस के अंदर भी पल्सेशन प्रोड्यूस कर देता है, पल्सेशन उत्पन्न कर देता है। द सेंट्रल साइनस रिसीव ब्लड फ्रॉम कलेक्टिंग वेसल्स, यानी जो सेंट्रल साइनस होता है यह कलेक्टिंग वेसल से ब्लड को रिसीव करता है। इट पंप्स ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस, और यह जो सेंट्रल साइनस होता है यह ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ग्लोमेरुलस के अंदर पंप कर देता है, ग्लोमेरुलस के अंदर भेज देता है। अब ग्लोमेरुलस के बाद क्या स्टार्ट होगा, आर्टरीज स्टार्ट होंगी यानी कि धमनियां या फिर जिसे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहेंगे। तो अभी तो आप दो चीजों को समझ लिए, पहला क्या समझ लिए ब्लड समझ लिए, ब्लड के बारे में क्या लिखेंगे, दूसरा हार्ट यानी कि सेंट्रल साइनस के बारे में जान गए कि क्या लिखना है, अभी आपको आर्टरीज और वेन के बारे में लिखना बाकी रह गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जस्ट इसके तुरंत बाद हम ये भी बता देंगे कि आर्टरीज और वेन के अंदर एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के दो पार्ट आप समझ लिए थे, जिसमें पहला ब्लड और दूसरा हार्ट यानी सेंट्रल साइनस, इन दोनों के बारे में कैसे एग्जाम में लिखना वो चीजें आपने देख लिया था। अब चलिए देखते हैं आर्टरीज, जो इसका तीसरा पार्ट है, आर्टरीज यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के बारे में आप क्या लिखेंगे इसे समझिए। तो देखिए द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरीड बाई फोर आर्टरीज, यानी कि ब्लड ग्लोमेरुलस से चार आर्टरी के द्वारा कैरीड किया जाता है यानी कि लाया जाता है। तो उन चारों आर्टरी के अंदर अब कौन कौन है ये समझिए। तो आप दीज टू यानी कि चारों में से दो कौन है, तो आर्टरीज
यानी कि चारों में से दो आर्टरीज, वन इज डार्सल प्रोबोसिस आर्टरी, एक जो है आप यहां पर देख रहे हैं डार्सल प्रोबोसिस, यहां पर देखिए डार्सल प्रोबोसिस आर्टरी, ये वाली जो है यह एक ऊपर की तरफ गई है, इसको बोलेंगे डार्सल प्रोबोसिस आर्टरी। एंड एनादर, और जो अन्य एक नीचे वाली है उसकी बात की जा रही है, तो एंड एनादर वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, और जो नीचे वाली है इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी। तो दो हो गई, अब जो दो बची है उसके बारे में क्या लिखेंगे, तो द अदर टू आर, यानी बची हुई जो दो है वो उसको क्या कहेंगे, तो कॉल्ड इफेरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज, यानी कि इसे कहेंगे इफेरेंट, इफेरेंट का मतलब जो पार होकर के अब जा रही है, अभी इधर से आती तो अफेरेंट कहा जाता, लेकिन ये पार होकर के जा रही थी, इसे क्या कहेंगे, इफेरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज। रन्स बैकवर्ड टू साइड ऑफ बकल डाइवर्टिकुलम, जो पीछे की तरफ रन करती है, और टू साइड का मतलब दोनों साइड से, किसके दोनों साइड से, तो बकल डाइवर्टिकुलम के दोनों साइड से। आफ्टर व्हिच, जिसके बाद दे यूनाइट, जुड़ जाती हैं टू फॉर्म पेरीब्रैंकियल आर्टरीज, और क्या बनाती हैं, यहां पर जुड़ने के बाद क्या बनाती हैं, पेरीब्रैंकियल आर्टरीज बनाती हैं। एंड सप्लाई द ब्लड, और ब्लड को सप्लाई करती हैं टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के अन्य पार्ट में ब्लड को सप्लाई करती हैं। बाकी आगे की जो आर्टरी थी, एक जो है डार्सल प्रोबोसिस आर्टरी और नीचे वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी, ये दोनों प्रोबोसिस के अंदर ब्लड सप्लाई करेंगी, बाकी जो ये पेरीब्रैंकियल आर्टरी है पीछे के अन्य भाग में ब्लड को सप्लाई करेगी। तो सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स या फिर आर्टरी, इसके बारे में आप इतना ही लिख देंगे। अब हेडिंग डाल देंगे चौथी हेडिंग, वेन्स, यानी कि कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग वेसल्स बहुत ही आसान है, एक ही वेसल्स है जिसको आप क्या कहेंगे, डार्सल ब्लड वेसल्स, यही कलेक्ट करती है। इसके बारे में एक लाइन दिखा देंगे, ब्लड फ्रॉम द बॉडी वॉल, यानी कहां से ब्लड को लेती है, बॉडी वॉल, गट वॉल, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वाल है उसको गट वाल बोलेंगे, तो वहां से ब्लड को लेगी। एंड ब्रेंकियल पार्ट, और ब्रेंकियल पार्ट से ब्लड को लेगी, यानी कि इज कलेक्टेड बाय, इन तीनों पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाएगा, सिंगल मीडियन डार्सल वेसल्स, यानी जो सिंगल एक अकेले ही मीडियन डार्सल ब्लड वेसल्स है इसके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, और फिर से सेंट्रल साइनस के अंदर भेज दिया जाएगा, और सेंट्रल साइनस से फिर पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पूरा एक जटिल फिगर को मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया, और कैसे लिखना है ये भी बता दिया। तो इसे आप जैसे मैंने बताया है उसी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, दो तीन बार इसको रिवाइज कर लीजिए, निश्चित ही आपको तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।